हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के सामने एक नए अपडेट के साथ। ये अपडेट आ रहा है टीवीएस की तरफ से। टीवीएस अपनी एक न्यू बाइक को लॉन्च करने की तैयारी में लग चुकी है और टीवीएस ने एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया है। 16 अगस्त के दिन एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया गया है एक न्यू बाइक का। उस बाइक का नाम होने वाला है टीवीएस अपाची RTR 165 RP। ये 165 cc की सेगमेंट की बाइक होने वाली है। आपको इसमें 165 cc का सिंगल सिलेंडर वाला इंजन देखने को मिलेगा और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि ये रेस वेपन टाइप का आपको इंक्लूड किया जाएगा। अभी जो आप टीवीएस की अपाची RTR देखते हैं, ये कम्यूटर और रेस ट्रैक का बाइक मानते हैं और इसको भी कंपनी इसी हिसाब से बनाई है। बट जो 165 होने वाली, उसमें आपको नया लुक देखने को मिलेगा और शार्प लुक देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें आपको ज़्यादा पावर भी देखने को मिलने वाला है, जबकि लास्ट टाइम में आपने देखा होगा कि अपाची 160 में भी आपको पावर में इंक्रीजमेंट किया गया है। तो जो 165 है, उसमें आपको 2 से 3 पावर ज़्यादा मिलने वाला है। मतलब आप मान के चलिए 19 से 20 PS का पावर आपको मिलेगा और 16 से 17 Nm का आपको टॉर्क मिलेगा, जो कि अभी 14 Nm का आपको टॉर्क मिलता है। तो ये आपको पावर में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें आपको अब जो अपाची की 204B में आपने देखा होगा कि सस्पेंशन आपको देखने को मिल रहा है, एडजस्ट कर सकते हैं जिस सस्पेंशन को आप, और उसमें आपको राइडिंग मोड मिल रहा है। तो ये 165 RP में भी आपको राइडिंग मोड देखने को मिलेगा और आपके इसमें नया पावर देखने को मिलेगा। जो पावर है इंक्रीज़ किया जाएगा, नया ग्राफिक्स नया कलर के साथ इसको लॉन्च किया जाएगा। तो फिलहाल यही अपडेट है, यही छोटा सा अपडेट देने के लिए मैंने आप लोगों को अपडेट किया है। तो आगे कुछ इस बाइक से रिलेटेड अपडेट मिलता है तो मैं उसको आपको इसी चैनल पे अपडेट कर दूंगा वीडियो बना के। साथ ही मैं बता दूं कि इस बाइक का अगर लॉन्चिंग की बात करें तो ये अगले साल लॉन्च किया जा सकता है। तो ये आप मान के चलिए कि 2022 में इसको मिड तक लॉन्च किया जा सकता है, जैसा कि अभी मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राइड विद बाइक।